दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ और गुजरात के बीच आईपीएल का 21वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की टीम जब आमने सामने होती है तो मुकाबला तो अपने आप रोमांचक बन जाता है, क्योंकि यहां एक तरफ केएल राहुल अपनी टीम को जिताकर अव्वल नंबर पर रखना चाहते हैं तो दूसरी तरफ शुभमन गिल भी अपनी टीम की लेगेसी को बरकरार रखने के लिए मैदान पर अपना जौहर दिखाते हैं। और दोस्तों, आखिरकार आज का मुकाबला जब इकाना स्टेडियम पर शुरू हुआ तो यहां पर लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत में यह फैसला बिल्कुल पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि यहां जब क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की तो पहला बड़ा झटका तो पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर उमेश यादव ने लखनऊ की टीम को दे दिया था, जब क्विंटन डिकॉक चार गेंदों पर एक छक्के की बदौलत 6 रन बनाकर आउट हुए। अब क्विंटन डिकॉक का विकेट जब गिरा था तब लखनऊ की टीम का स्कोर मात्र 6 रन पर था। यहां पर टीम पर इतना ज्यादा दबाव था और फिर बल्लेबाजी करने तीसरे नंबर पर उतरे देवदत्त पडिक्कल, जहां केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल को मिलकर आगे साझेदारी को बढ़ाना तो था, लेकिन इस बीच उमेश यादव ने तीसरे ओवर में आते से ही देवदत्त पडिक्कल को भी विजय शंकर के हाथों कैच आउट करवा दिया और देवदत्त पडिक्कल 7 गेंदों पर मात्र 7 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। और ये झटका लग जाने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को दो बड़े झटके मात्र 18 रन के कुल स्कोर पर ही लग चुके थे। अब केएल राहुल तो एक छोर संभाले हुए थे लेकिन दूसरी तरफ कोई भी उनका साथ निभाने के लिए तैयार नहीं था। जब दो विकेट गिर गए थे तब केएल राहुल ने मार्कस स्टोइनिस को मैदान पर आने की अनुमति दी और यहां पर मार्कस स्टोइनिस और केएल राहुल ने मिलकर थोड़ी धीमी पारी जरूर खेली, लेकिन दोस्तों शुरुआत के 13 ओवर तक जैसे तैसे करके केएल राहुल 91 रन तक अपनी टीम को लेकर आ गए थे, लेकिन यहां पर किसी को क्या ही पता था कि अगला विकेट केएल राहुल का ही गिरने वाला है। यहां पर केएल राहुल 31 गेंदों पर 3 चौकों की बदौलत मात्र 33 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे और अच्छी शुरुआत मिल जाने के बावजूद भी केएल राहुल अपनी इस पारी को आगे बढ़ा नहीं पाए और दर्शन नालकंडे ने राहुल तेवतिया के हाथों उनको स्लोअर पिच वाली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के लिए मजबूर किया और तेवतिया ने ये कैच लपक कर केएल राहुल को डगआउट का रास्ता दिखा दिया। और दोस्तों, जब केएल राहुल का विकेट गिरा तब लखनऊ सुपर जायंट्स ने मात्र 91 रन बनाए थे और यहाँ पूरी उम्मीदें चूर होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि यही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो अपनी टीम को 200 रन के पार बड़े आसानी से लेकर जा सकते थे। लेकिन राहुल का विकेट गिरना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सदमे से कम नहीं था। अभी तक 100 के पार लखनऊ की टीम पहुंची नहीं थी और 3 बड़े झटके लग चुके थे। अब मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन पर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों यहां पर मार्कस स्टोइनिस निकोलस पूरन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ा ही रहे होते हैं, तभी 15वां ओवर करवा रहे दर्शन नालकंडे कई बड़ी चतुराइयां चलते हैं, लेकिन यहां पर मार्कस स्टोइनिस उनके 15वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ देते हैं, फिर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी मात्र 40 गेंदों में करने के बाद मार्कस स्टोइनिस कहां रुकने वाले थे, फिर वो छक्का जड़ देते हैं दर्शन नालकंडे को इसी ओवर में, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर दर्शन नालकंडे ने कम करते हुए या मार्कस स्टोइनिस का ही विकेट चटका दिया और स्टोइनिस के रूप में लखनऊ सुपर जायंट्स को चौथा झटका लगा और यहां मार्कस स्टोइनिस 43 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 58 रन बनाकर आउट हुए। और स्टोइनिस के आउट हो जाने के बाद उतरे आयुष बदूनी, जहां आयुष बदूनी और निकोलस पूरन के बीच साझेदारी आगे बढ़ती है। इस बीच आयुष बदूनी ने तो ठान रखा था कि मैदान पर जाते से ही अपना बल्ला चलाना है और उन्होंने ऐसा ही किया, जिसके चलते आयुष बदूनी 11 गेंदों पर 20 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। और इस मैच में अंत तक टिके रहे निकोलस पूरन ने या नाबाद रहते हुए 22 गेंदों पर 3 छक्कों की बदौलत 32 रन जोड़कर पूरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर झुका दिया, वो भी तब जब एक समय पर लखनऊ की टीम इस मुकाबले को हारने की कगार पर थी। अब गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी के बारे में आपको बताएं तो गुजरात के लिए 2-2 विकेट उमेश यादव और दर्शन नालकंडे के नाम रहे तो 1 विकेट मात्र राशिद खान को मिला, बाकी यहां पर सभी गेंदबाज गुजरात की टीम के इस मुकाबले में फ्लॉप नजर आए। अब दोस्तों बारी थी गुजरात टाइटंस टीम की इस मैदान पर बल्लेबाजी करके स्कोर को हासिल कर मैच अपने नाम करने की। अब गुजरात के लिए पारी की शुरुआत साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने की, जहां खराब फॉर्म में चल रहे रिद्धिमान साह को तो बेदखल गुजरात की टीम से कर दिया गया, लेकिन अभी भी साई सुदर्शन ने पूरी तरह से रिद्धिमान साह का काम संभाल लिया और इस बीच देखते ही देखते यहां पहले विकेट के लिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर इस मुश्किल पिच पर 54 रन की साझेदारी कर दी थी। अब ये साझेदारी लगातार आगे बढ़ती उससे पहले ही यश ठाकुर ने शुभमन गिल को बोल्ड आउट करके उनका विकेट लपक लिया और दोस्तों यहां पर शुभमन गिल जब आउट हुए गुजरात
टाइटंस 54 रन पर तो खेल रही थी और गिल ने 21 गेंदों पर मात्र 19 रन बनाए थे, जिसके चलते यहाँ गुजरात की टीम को पहला बड़ा झटका लगा। अब ये पहला झटका लगना गुजरात की टीम के लिए इतना हानिकारक साबित होगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, क्योंकि यहाँ शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और मानो गुजरात की टीम ऐसे दबाव में पहुंच गई कि वहां से मुकाबला पलटना मुश्किल ही नहीं बल्कि बिल्कुल नामुमकिन सा ही हो गया। हुआ ये कि तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने उतरे केन विलियमसन, जहां केन विलियमसन मैदान पर अपनी आंखें जमा पाते उससे पहले ही रवि विश्नोई ने यहां केन विलियमसन का भी विकेट चटका दिया, जो कि 5 गेंद पर मात्र 1 रन बनाकर कॉट एंड बोल्ड आउट हुए। और केन विलियमसन जब आउट हुए थे तब 56 रन पर 2 विकेट गुजरात टाइटंस के हो चुके थे और अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे बेलूर रवि सरत, जहां उनको साई सुदर्शन के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी करने की बेहद ही जरूरत थी, क्योंकि अब गुजरात की टीम ने लगातार अपने 2 विकेट वैसे भी गवा दिए थे, लेकिन यहां पर साई सुदर्शन को न जाने क्या हुआ वो कृणाल पांड्या के 9वें ओवर की पहली गेंद को आसमान में पहुंचाने की कोशिश करने लग गए और यहां पर साई सुदर्शन को आखिरकार अंजाम वही मिला जिसका सभी को डर था। यहां पर रवि विश्नोई ने उनका कैच लपक लिया जिसके चलते साई सुदर्शन की भी 31 रन की पारी यहीं समाप्त हुई। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा था जब 54 रन पर 1 विकेट गुजरात की टीम का हुआ था और अब ये समय ऐसा आ चुका था कि 58 रन मात्र 7 रन के भीतर 3 बड़े विकेट गुजरात की टीम ने गुच्छों में गवा दिए। अब साई सुदर्शन का भी विकेट गिर जाने के बाद विजय शंकर उतरे, हालांकि यहां पर विजय शंकर और सरत के बीच साझेदारी आगे बढ़ती उससे पहले सरत को कृणाल पांड्या ने अपने जाल में फंसाकर आयुष बदूनी को कैच थंबा दिया और यहां पर रवि सरत भी 5 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाकर चलते बने, जैसा कि आप सब यहां पर देख भी पा रहे होंगे। और जब सरत आउट हुए तब 64 रन पर 4 विकेट गुजरात की टीम ने गवाकर इस मैच में अपनी बाधाओं को और भी ज्यादा मुश्किल बना लिया। अब गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी थी और कृणाल पांड्या ने आते से ही अपने दूसरे स्पेल में ऐसी चमत्कारी गेंदबाजी करके हर किसी को हैरान भी कर दिया, क्योंकि दोस्तों अक्सर कृणाल पांड्या से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद की नहीं जाती। अब मैदान पर विजय शंकर और दर्शन नालकंडे एक दूसरे का साथ तो निभा रहे थे और अब दर्शन नालकंडे विजय शंकर ने सोच लिया था कि अब आर और पार की लड़ाई होनी चाहिए। यहाँ पर विजय शंकर और दर्शन नालकंडे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ पर 48 गेंदे यानी कि 6 ओवर में मैच जीतने के लिए गुजरात को 84 रन बनाने थे। अब इतना आसान तो यह कारनामा करना था नहीं, लेकिन यहाँ बाउंड्री के पार गेंद को पहुंचाकर मैच को आसानी से जीता जा सकता था, इसीलिए विजय शंकर और दर्शन नालकंडे ने अपना बल्ला चलाना जारी रखा। लेकिन यहाँ लखनऊ के गेंदबाज काफी हावी हो गए, रवि विश्नोई कोई मौका नहीं दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मयंक यादव भी अब अपने चरम पर तेज तर्रार 155 की गति से गेंदबाजी करके गुजरात की टीम को बैकफुट पर और भी ज्यादा ढकेलने का काम कर रहे थे। हालांकि इस बीच राहुल तेवतिया, राशिद खान भी उपलब्ध रहे, लेकिन यहाँ गुजरात की टीम ने इस मुकाबले में पहले ही अपने घुटने टेक दिए और दर्शन नालकंडे ने कृणाल पांड्या को अपना जैसे ही विकेट थमाया वहां से मुकाबला पूरी तरह से गुजरात के हाथ से निकल गया। और अब दोस्तों आप सभी यहाँ मैच समाप्त हो जाने के बाद पूरी हाईलाइट भी देख सकते हो, पूरा स्कोर कार्ड भी आपके आगे। और अब आपकी क्या राय है मैच के बारे में, अपनी राय हमें जरूर बताइए।